भीलवाड़ा और जयपुर के बाद अब टोंक कोरोना नगरी बनता जा रहा है। आज सुबह मिली कोरोना संक्रमित जांच रिपोर्ट में 12 नए कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। ये सभी दिल्ली जमात से टोंक आए 5 जमातियों के परिजन ही हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को 4 की पुष्टि हुई थी और अब तक केवल 2 दिन में 16 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है। वहीं जिला कलेक्टर के शर्मा ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के साथ सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही पूरी तरह से क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। आज दूध की सप्लाई के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक की छूट दी गई। वहीं जिला कलेक्टर ने सभी से मेडिकल टीम और सर्वे टीम को सहयोग करने की भी अपील की है। टोंक में कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। आज 12 और कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। ये वही 4 जमातियों के परिजन हैं जिनमें ये कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट पर आ गया। अब टोटल टोंक में 16 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी टोडा राय सिंह CSC की रिपोर्ट अभी आना बाकी है और ताज़ा हालात आज कर्फ्यू के ये हैं कि आज सुबह 4 से 6 बजे 2 घंटे की छूट दी गई थी वो दूध की सप्लाई के लिए। और आज जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर घूमकर CRPF के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया है और लोगों से अपील की है कि कर्फ्यू की पूरी तरीके से पालना करें। अगर किसी तरीके का कोई लक्षण मिलता है तो वह तुरंत अस्पताल में इसको सूचित करें और इसको दिखाएं। और लोगों से अपील की जा रही है कि बार बार अपने अपने घरों में ही रहें।